रेलू वासवें असल जिंदगी की गुमनाम नायिका। मुश्किल वक्त में मानवता की सबसे बड़ी मददगार बनी रेलू वासवें। रेलू ने कोरोना के मुश्किल वक्त में नवजात बच्चों, गर्भवती महिलाओं की मदद के लिए हर रोज खुद नाव चलाकर 18 किलोमीटर का लंबा कठिन सफर तय किया। महाराष्ट्र के नंदुरबार के चिमरखड़ी गांव की 27 साल की रेलू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। दो छोटे बच्चों की माँ रेलू फर्ज की खातिर खुद रोजाना 18 किलोमीटर नाव चलाकर लंबा और मुश्किल सफर तय करती थी, ताकि इस सुदूर आदिवासी इलाके के नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को समय पर पौष्टिक आहार मिल सके। रेलू जिस गांव में पदस्थ हैं वहां सड़क नहीं है, ऐसे में गांव तक पहुंचने के लिए लोगों को नाव के जरिए विशाल नदी पार करनी पड़ती है। लिहाजा रेलू ने नाव के जरिए आदिवासी बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुँचने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने एक मछुआरे से नाव उधार ली और निकल पड़ी फर्ज की राह पर। 25 नवजात कुपोषित बच्चों, 7 गर्भवती महिलाओं तक उचित पोषण पहुंचाने के लिए रेलू हफ्ते में 5 दिन नाव से सफर तय करती थी। मुसीबतें भी नहीं रोक सकी रेलू का रास्ता। रेलू का ये सफर कभी इतना आसान नहीं रहा। रेलू बताती हैं कि नाव चलाते चलाते उनके हाथ दुखने लगते तो कभी हाथों में सूजन आ जाती। नदी में विकराल बाढ़ भी रेलू का हौसला नहीं बिगा सकी। उन्होंने लगातार 5 महीनों तक नदी पार करके अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। अकेले नाव के सहारे उफनती नर्मदा नदी को पार कर आदिवासियों तक भोजन और जरूरी सामग्री पहुंचाती रही। रेलू की कहानी साबित करती है कि अगर आप में कुछ करने का जुनून है तो दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।